नाम और अपने डेयरी फार्म का परिचय बताएं। मेरा नाम हिमांशु सिंह जसवाल है और मेरी डेयरी का नाम मामा डेयरी से चलता है। मामा डेयरी फार्म जी। सर, मामा डेयरी फार्म कब शुरू हुआ था? ये हुआ है 1995 में। और आप कितने साल के हैं? मैं हूँगा अभी 31। मतलब आपसे पहले ही डेयरी फार्म शुरू हो गई थी? हाँ जी। अच्छा, डेयरी फार्म किसने शुरू किया था सर? ऐसे तो जैसे हमारे ग्रैंडफादर रहे जो, उनने पहले दो भैंसों से चालू करा जो घर में रही, फिर हमारे पापा के थ्रू यहाँ आके इनने ज़मीन लेके बढ़ाया है पूरा बिजनेस। जमीन लेके फिर बढ़ाया है यहाँ पे। पहले हमारे पास दो से हमने 10 जानवर किए, 10 से 25, ऐसे करते करते अभी हमारे पास 475 जानवर हैं। दादा से शुरू हुआ रहे, यानी उनने दो जानवर करके दिए रहे, फिर हमें पापा लोग ने बढ़ाए हैं पूरा। दादाजी ने जो है दो जानवर शुरू किया था? हाँ जी, वो क्योंकि पहले आर्मी में रहे। अच्छा। आर्मी से फिर उनका ट्रांसफर यहाँ हुआ, यहाँ उनने पहले किराना की दुकान और फिर दो जानवर लेके शुरू किया गया रहा। तो अपना सर डेयरी फार्म है, सबके डेयरी फार्म में कितने सेट होंगे और इसका जो क्राइटेरिया है, जो क्षेत्रफल कितना होगा? ये एक प्लाट, यानी कि ये इसमें 10 लाइनें होती है, ये एक प्लाट हो गया। वहाँ पे है पाँच प्लाट, वहाँ पे 70-70 के दो हैं, 70-70 के दो हैं, वहाँ पे 70-70 के दो हैं और एक 42 का है, एक 36 का है। अच्छा सर, जैसे मैंने सुना आपके बारे में, आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं? हाँ जी। दादा बताया जैसे कि पहले आर्मी में रहे, वो ट्रांसफर हुए, फिर यहाँ पे आर्मी स्क्वार्टर्स मिल जाते रहने के लिए, फिर उन्होंने यहाँ पे जमीन खरीदी। अच्छा। फिर जमीन खरीद के गौर में हमारा एक्चुअली घर है। अच्छा। उसके बाद वहाँ पे उनने दुकान बनाई वहीं पे अपनी ही जमीन में जो घर खरीदे जी। वहाँ पे फिर पीछे दो भैंसे रख के फिर उनकी जो पेंशन आती रही रिटायर्ड होने के बाद, वो पेंशन से उनने यहाँ जमीन खरीदी। जमीन सस्ती मिलती थी क्या पहले? पहले बहुत सस्ती रही, इसे जमीन खरीद लिया। हाँ जी। लगभग कितनी जमीन खरीद लिया होगा? यहाँ पे हमारी जमीन 8 एकड़ है। 8 एकड़ है। हाँ जी, जिस पर डेयरी से लेके खेती बाड़ी तक की है। अच्छा, तो आप इस डेयरी फार्म से कब से जुड़े हो? मेरे को हो गया लगभग 12-13 साल करीब। 12-13 साल हो गए डेयरी आते हुए। तो आपको अच्छा लगता है डेयरी फार्म में काम करना? जी हाँ जी, अच्छा लगता है। सर, आप अपने डेयरी फार्म में चारे का भंडारण कैसे करते हैं, हरे चारे का और सूखे भूसे का? जैसे सूखा भूसा तो हमें खरीदना पड़ता है, उसके लिए स्टॉक करने के लिए गोडाउन बना हुआ है हमारे पास। अच्छा। ये गोडाउन जितना हाइट ऊपर है उतना ही नीचे है इस गोडाउन से। गोडाउन बना हुआ है। हाँ जी। जितनी हाइट इसके ऊपर है उतनी हाइट नीचे है? हाँ जी, यानी गड्ढा टाइप का है ये पूरा अंदर से। लगभग नीचे कितने हाइट होगी इसकी नीचे? ये यानी कि लगभग 8 से 10 फीट नीचे जाएगा। 8 से 10 फीट नीचे जाएगा? कैसे भरते हैं फिर इसको? यहाँ से यानी कि सीढ़ी दी गई है दोनों साइड। हाँ जी, तीनों साइड, दो गेट यहाँ पे है, एक गेट उस साइड है इसका। अच्छा। तो आपका जो आपका सर सूखा भूसा है? हाँ जी, वो साल भर स्टोरेज रहता है, मतलब साल भर के लिए? हाँ जी, साल भर का इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे अभी हमने ये स्टॉक लगाया, ये तो पानी गिर गया तो इसलिए इसका कलर डाउन हो गया है, कलर डाउन हो गया है। ये अभी जून तक चल जाएगा, इसके बाद ये गोडाउन खुल जाएगा, प्लस जून से फिर वो आ जाती है जोनार, कड़वी बोलते हैं जिसको, वो फिर आ जाएगी तो भूसा कम डरने लगता है, जोनार चालू हो जाती है। अच्छा। तो इस साल भर का स्टॉक हो जाता है हमारे पास, यानी कि अब हमें अगले जनवरी के आसपास ये खरीदना पड़ेगा भूसा। अच्छा, जनवरी की? जनवरी फरवरी में। जनवरी फरवरी के आसपास आपको? हाँ, भूसा खरीदना पड़ेगा। हाँ जी, बाकी चल जाएगा लगभग। हाँ जी, चल जाएगा। 6-7-8 महीने के लिए आराम से। हाँ जी। अच्छा, तो हरा चारा अपने खेतों में नहीं उगा पाते क्या? अपने में भी लगता है, लेकिन इस साल क्या कि किसी को खेत दे दिया रहा हमने, तो उसने अपनी खाद फैलाई हुई है अभी। अच्छा। तो अभी अपने डेयरी फार्म में कितने टोटल लेबर हैं? अभी टोटल यानी कि जो भैंस लगाने वाले हैं वो 20 दोहाल है। तो कोई मतलब कोई समस्या आपको मेन नहीं आई? नहीं नहीं, जैसे बीमारियों में मैनेजिंग करने में, सेट बनाने में? नहीं। मेरे सामने 125 जानवर रहे, 125। हाँ जी। कितने साल पहले? ये 12 साल पहले की बात है। 12 साल पहले? हाँ जी। 12 सालों में आपने मेहनत किया जोरदार तरीके बहुत, फिर इसके बाद आप इस मुकाम में? हाँ जी। जैसे मैं आपके डेयरी फार्म में घूमता हूँ, मुझे लगता है खाली खाली सा लगता है, जैसे यहाँ पे लाइन खाली लगती है जो आपका पहले वाला से? नहीं, ये इसलिए एक तो इसका कारण है क्योंकि यहाँ पे हमारा गोबर पीछे साइड फेंकता है। अच्छा। और यहाँ पे क्या है, उस पर हमने एक गलती कर दी रही कि स्लैब नहीं डाले रहे, तो गोबर नाली पर पड़ जाता है तो पूरा पानी जाम हो जाता है। जाम था पूरा? हाँ जी। तो वो पानी निकालने के लिए ये पूरी लाइनें खाली करी है। अच्छा। और दूसरे प्लस ये है कि लेबर की यहाँ पे शुरू से दिक्कत रही है, इसलिए जानवर उतने ही रखे जितनी लेबर चले हमारे पास, जितने लेबर लगा सके उतने ही जानवर रखे। हाँ जी।
और इस समय दूध देने वाली भैंसें कितनी है यहाँ पे? अभी 203 भैंसें हैं, तो ये पूरी लगने वाली हैं दूध देने। 203 भैंसें पूरी दूध देती हैं यहाँ पे। हाँ जी, मतलब इस साइड में कल दूध देने वाली भैंसें रखी हैं आपने, उस वाले साइड में ड्राई, उस में है कि यानी कि उधर 50-60 भैंसें लगभग उधर और लगती है जो बाखड़ी कहलाती है वो। अच्छा, अगर भैंस अगर जैसे कहते प्रेग्नेंट है तो उसको पाला जाता है फिर। प्रेग्नेंट है तो पाला जाता है? हाँ जी। अच्छा, जितने महीने की हो? हाँ जी। अच्छा, और ड्राई है तो फिर नहीं, जैसे दूध नहीं है और भैंस प्रेग्नेंट नहीं है तो उसको फिर या किसान ले आते हैं। अच्छा। क्या होता है, भैंस जितना ज़्यादा चलेगी, जितना ज़्यादा चारा खाएगी और घूमेगी उतनी जल्दी हीट पे आती है और भैंस रुकती भी है। आपने गाय भी कुछ पाल रखी है? हाँ जी, गाय एक तो क्या रहता है कि लड़का जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनके लिए दूध बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, जैसे जो माँ का दूध नहीं पीते हैं जी, उनको गाय का दूध पिलाना रहता है, पिलाना सही रहता है, इसलिए मतलब गाय आपने इस पर्पज से पाला कि जो भैंसों के बच्चे हैं उनको पिलाने के लिए? भैंसों के लिए, और जैसे अपने खुद के हमारे छोटे बच्चे हैं वो भी गाय का ही दूध पीते हैं। मतलब आपकी फैमिली के लिए? हाँ जी। टोटल गाय कितनी है? टोटल गाय 20 है। 20 गाय है? तो गाय कब आई आपके फार्म में, शुरू से थी या? नहीं नहीं, अभी अभी एक दो साल से रखी है। एक दो साल से रखी है जी। तो गायों का दूध कितना हो जाता है? गाय का दोनों समय में 150 लीटर के लगभग है दूध। 150 लीटर? हाँ जी। और गाय और भैंसों का टोटल मिलाया जाए तो? टोटल अभी हमारे पास 1800-1900 लीटर दूध होगा। 1800-1900? हाँ जी। दूध उत्पादन तो कम है बहुत ज्यादा। तो हमारे पास जैसे वो बताया ना, प्रेग्नेंट जानवर ज्यादा है। प्रेग्नेंट जानवर ज्यादा है? हाँ, तो फिर जितने ज्यादा प्रेग्नेंट होंगे उतनी फिर वो हो जाता है, दूध कम हो जाता है जानवरों में, इसकी वजह से। हाँ जी, दूध थोड़ा सा कम है। जो एवरेज हमारा दूध का है वो कम है अभी। कम है? हाँ जी। तो सर अपना दूध कहाँ जाता है? हमारा कुछ फैंट में जाता है, कुछ जाता हाँ है? जी, कुछ डेयरी से उठ जाता है, यानी कि यहाँ के जो वो रहते हैं होलसेलर वो ले लेते हैं। किस रेट से जाता है? इनको जाता है सर 4-5 रुपये कमीशन रहती है उन लोगों की, 4 रुपये जो होलसेल में बेच रहे हैं। और जो फैंट में जाता है वो फैंट के हिसाब से पर रेट मिलता है, 8-20 रुपये रेट है, उस हिसाब से फैट में मिलता है हमें रेट। अच्छा, ये बताइए जैसे मान लीजिए आप युवा हैं। हाँ जी। और आपका पूरा डेयरी फार्म मैनुअल वर्क हो रहा है। हाँ जी। तो आपको ऐसे नहीं लगता कि जैसे मान लीजिए आपका लैंड भी है, फार्म ओपन बना होना चाहिए, टीएमआर यूज करना चाहिए, मिल्किंग मशीन यूज करना चाहिए? नहीं, मशीन सक्सेस नहीं है इसमें। जैसे मान लीजिए एक डेयरी फार्म में गया हुआ था, वहाँ पर मशीन से निकालते हैं दूध? मशीन से आप गाय का दूध निकाल लोगे तो वो सही रहता है। भैंसों का? भैंसों के थन में यानी कि ये रहता है, जो आपके 5 लीटर भैंस जो दूध दे रही है वो पूरा 5 ना दे के 3.5-4 ही देगी, और अगर उस पर आपने ध्यान नहीं दिया तो उस पर थन से खून आ जाता है। थन से खून आ जाएगा? हाँ जी। और फिर उसमें थन खराब होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं भैंस के। अच्छा, अभी सर अपने डेयरी फार्म पे आप फीड क्या खिला रहे हैं? फीड रहती है जिसको दाना बोला जाता है जी, उसमें रहती है राहर चूनी, उड़ा चूनी, मक्का, बिनाला खरी। अच्छा। और जैसे अभी गर्मी चल रही तो एक टेल टीन या दो टीन एवरेज के हिसाब से, यहाँ ज़्यादा जानवर है तो दो और वहाँ कम है तो एक तेल का टीन वहाँ कटता है। अच्छा। डाला जाता है उस पर तेल भी लाते हैं? मक्का, दलिया, ये सब। तो लगभग एक जानवर को कितना फीड देते हैं? एक जानवर को 8 किलो। 8 किलो देते हैं? जो यहाँ पे लगने वाले हैं, और जो उधर कम लगते हैं उनको रहता है 4-5 किलो। तो जो यहाँ पे लगने वाले हैं उनको 8 किलो देते हैं, बाकी ड्राई वाले कितना देते हैं? 4-5 किलो रहेगा उनका। 4-5 किलो देते हैं? हाँ जी। जैसे आपने जो सेक्शन डिवाइड कर रखा है, हाँ जी, इससे आपको क्या फायदा होता है? सेक्शन ये एक्चुअली में डिवाइड ना होता, पहले हमने बताया ना जैसे हमारी शुरू में डेयरी वहाँ रही, फिर हमने बीच में गोडाउन बना लिया ये भूसा रखने का। उसके बाद फिर हमें और लगा कि अब बढ़ाने चाहिए जानवर, तो हमने फिर एक अपने ही जो जमीन है तो यहाँ पे हमने अलग से प्लॉट बनाया। अच्छा, इस समय आपकी डेयरी में 1850 लीटर दूध का उत्पादन होता है? हाँ जी। तो लगभग कितनी बचत हो जाती है आपको? अभी तो बचत फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि एवरेज अभी लगभग मेरे ख्याल 5 के आसपास का है, 4.5-5। 4.5-5 का? हाँ जी, जिसमें हमें लेबर से लेकर हर चीज़ निकालना पड़ता है, तो इस समय अभी लेवल पे ही है, चल रहा है काम। अच्छा सर, जो आपका दूध है, हाँ जी, किस रेट से जाता है, जो उसकी ऑन एवरेज निकल के आती है, जैसे मान लीजिए आपका हर लगा दूध जाता है? हाँ जी। उसकी एवरेज क्या रहती है दूध की? हमारा जो होलसेलर है उनका फिक्स रहता है कि 63-4 रुपये कमीशन रहती है उनकी। अच्छा, 63+ रहता है? अच्छा सर, हम 63 ऑन एवरेज पकड़े। हाँ जी। अगर 63 × 1850 लीटर अभी कर दें फिलहाल में, तो लगभग मुझे लगता है कैलकुलेशन के हिसाब से 1,16,550 रुपये का दूध होता है। हाँ जी। जो कि आपके यहाँ भी जो भैंसे हैं, मान लीजिए अभी प्रेग्नेंट ज़्यादा हैं। हाँ जी।
मिल्किंग कम है आपके कहने का मतलब ये है। और अगर ये महीने का अगर हम जोड़ दें तो लगभग 34,96,500 का दूध होता है। हाँ जी। और अगर साल का कर ले तो मुझे लगता है पता नहीं कितने करोड़। साल भर एक एवरेज नहीं चलता ना, एवरेज नहीं चलता, सही बात है। तो इनकम कैसे नहीं हो रही है आपको इस समय? ये देखिए आप, पहली चीज़ हम मैंने कहा है 1850 होता है, यानी जो लग रहे हैं नहीं लग रहे। अच्छा। क्योंकि ये लग रहे हैं तो यहाँ पे एवरेज है, वहाँ पे नहीं लग रहे हैं उनको भी तो दाना पानी पूरा बराबर चल रहा है ना। अच्छा, एवरेज ये हुआ। नए डेयरी फार्मर उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नए डेयरी फार्म के लिए तो अभी फिलहाल सबसे बड़ी बात ये, बहुत मेहनत का काम है। रात में आपको आधी रात में उठना पड़ेगा, कोई एमरजेंसी केस हो जाएगा तो आपको सारे काम छोड़ के यहाँ आना पड़ता है। अच्छा। जैसे भैंस ब्याती है उस समय कचड़ा रह जाता है तो भैंस जोर मार के अंदर का पूरा वो निकाल लेती है, जिसको भेली बोलते हैं। अच्छा। तो वो बहुत सीरियस केस हो जाता है, उसमें भैंस के जान जाने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। अच्छा। यानी आपको फिर अपने सारे काम छोड़ के यहाँ आना पड़ेगा। सारे काम छोड़ के आपको यहीं आना पड़ेगा, तब आपका डेयरी कामयाब। हाँ जी। तो आपकी भविष्य की क्या प्लानिंग है? अभी तो फिलहाल यही है कि इतने ही जानवर में चलाना है, जैसे भी इतने जानवर में चलाना है, बढ़ाना नहीं है। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद आपने जो समय निकाल कर बताया। बिल्कुल।